पहले की कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसे पढ़ू, मैं आपसे दो तीन बातें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, हमें तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, कई बार तो सरकार जो है हमारे ही बीच से व्यक्ति को निकाल के और उसे तरह तरह का लालच दे के हमें तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन ये हमें सोचना है कि हमारा फायदा कहां पर है, कहां बैठने उठने से, कहां इकट्ठे लड़ने से, संगठित होने से फायदा हमारा है और किसके साथ जाने से हमारा नुकसान। कम से कम आप अपने नफा नुकसान के विषय में तो सोच ही सकते हैं। आप दो महीने इतनी मजबूती से आप लड़े, उसके बाद में काली पट्टी बांध के कल तक विरोध किया और आज फिर आप लड़ रहे हैं, और एक संगठन के माध्यम से हर बात तरीके से आपको बताई और समझाई जा रही है, और मुझे कहने में शक नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये जो आपस में टूट है, ये जो आपस में टूट फूट हो रही है, अगर इन लोगों को थोड़ी भी समझ होती और ये भी साथ में लड़ते इकट्ठे रहते शायद हमारी बात मान ली जाती, क्योंकि सरकार के पास हर तरह की जानकारी है, कितने कितने लोग कहां कहां हैं, किस किस संगठन में कितने लोग हैं, कैसे हो रहा है, और सरकार उसी टूट फूट का फायदा उठाती है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आपके साथ में कहीं कोई धोखा नहीं है, और यहां से आज तक आपको कोई धोखा मिला भी नहीं है, आप इस बात को मानते भी हैं, तो आप यही रहिए और बाकी जो बाहर है उनको भी साथ में जोड़िए। आप अपनी ताकत को बढ़ाना है, जितनी हमारी ताकत बढ़ेगी उतना ही जल्दी हमारी मांगे पूरी होने की परिस्थिति बनेगी। और जहां तक रही आपको अदालत की बात, तो मैं अदालत के विषय में बता सकता हूं, आप मेरे से तो पूछ ही सकते हो, सबके पास लगभग मेरा नंबर भी है, अगर अदालत की कोई कार्रवाई है कुछ भी है उसके विषय में तो आप मेरे से ही पूछ सकते हो, कहीं कोई भी बात हो तो मैं बताऊंगा, मेरे से बढ़िया कोई क्या बताएगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अदालत में जाने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, जो चल रहा है, उससे आप सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ही पक्षपात होता है, वहीं पे चीफ जस्टिस मनमानी करता है, जहां जैसे मुकदमे अपने हिसाब से भेजना चाहे और उसके हिसाब से आदेश ले लेते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अदालतों में आपको न्याय मिल जाएगा? अदालतें ये चंद जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सरकार वाले हैं, अधिकतर उनकी बात सुनते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं सुनता। इस बात को समझ लेना चाहिए और अदालत में जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, और अगर जाएंगे तो हम बताएंगे उसमें कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो कोई अगर आपको गुमराह करता है कि मैं अदालत से दिलवा दूंगा आपको या मैं ये मानदेय दिलवा दूंगा, सब झूठ बोल रहा है। उन सब चीजों से आप सावधान रहें, अपनी ताकत को किसी भी हालत में कमजोर ना होने दें, अपने संगठन को कहीं से भी टूटने ना दें, उसे मजबूत बना के रखें। इतना मेरा निवेदन आपसे, मैं ये पढ़ देता हूं क्या आदेश है। ये कोर्ट नंबर 19 में है और महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ थ्रू ऑथराइज जनरल सेक्रेटरी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डाला है और ये खिलाफ है भारत सरकार के और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड अदर्स। इसमें ऑनरेबल जस्टिस श्री विवेक चौधरी जी, उन्होंने जो कहा है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं फिर हिंदी में अर्थ बता दूंगा आपको इसका। चलिए मैं फिर भी, चलिए मैं हिंदी में ही सीधा पढ़ देता हूं जो आया है और माननीय अध्यक्ष जी के गुरु जी के माध्यम से आया है। लखनऊ 12 जनवरी 2018, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री विवेक चौधरी जी ने महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के सर्विस संख्या 795/2018, अगर कोई बहन चाहे तो ये लिख भी सकती है जो नंबर वगैरह पिटीशन का बताया जा रहा है, क्योंकि कल ये पूछते हैं कि कौन सा पिटीशन है, क्या है क्या नहीं है, तो आप चाहें तो ये पिटीशन का नंबर भी लिख सकते हैं। 795/2018 पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने पर निर्णय के लिए सरकार को 3 माह का समय दिया है। प्रदेश की 4.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी
विगत 22 अक्टूबर 2017 से कलम बंद काम बंद हड़ताल पर थी, लेकिन सरकार इनके उचित मांगों पर विचार नहीं कर रही थी। और नहीं तो आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज कर दो दर्जन महिलाओं को 22 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। यही तक नहीं, सीतापुर की महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह, मंजू वंशवार, संतोष कुमारी एवं सरिता वर्मा को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था। सरकार की हठवादिता को ध्यान में रखते हुए महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने सर्विस सिंगल बेंच नंबर 795/2018 में याचिका दायर की, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर विरोध कर रही प्रदेश की लाखों कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि संगठन महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के विभागाध्यक्ष के समक्ष कोर्ट के आदेश को लगाते हुए अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने को कहा है, जिस पर सरकार को 3 माह के भीतर विधि सम्मत निर्णय लेना होगा। संघ के अध्यक्ष गिरीश पांडे ने उच्च न्यायालय का स्वागत किया है। उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सरकार बनने के 120 दिन के भीतर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि का ऐलान करने वाली भाजपा सरकार से उम्मीद है। कृषि उत्पादन आयुक्त से शीघ्र रिपोर्ट लेकर काम के बोझ तले लदी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी सहायिकाओं व सेवा सुधार के लिए नियम बनाएगी और न्यूनतम मानदेय 15,000 रुपए करेगी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को 3 महीने का समय दिया है। मान के चलते हैं कि मार्च तक का समय सरकार के पास है, उसके बाद सरकार जो भी जवाब देती है, जो भी कार्रवाई करती है और माननीय उच्च न्यायालय को बताती है या हमारा आवेदन बढ़ाती है, नहीं जो भी करती है, वो 3 महीने में पता लग जाएगी। मैं मानता हूं कि जब कार्रवाई अदालत तक पहुंच गई है तो माननीय अदालत का सम्मान करते हुए हमें उसी हिसाब से कार्रवाई करनी होगी और जैसे भी जो भी निर्णय आपके हक में होगा माननीय गुरुजी लेंगे और संगठन हमारा लेगा और उसके बाद जो भी होगा, जैसा आदेश होगा उसका पालन करते हुए हम अपनी लड़ाई को उसी हिसाब से लड़ेंगे। तो अब किसी को कहीं कोई संदेह तो नहीं है, कहीं भी किसी बहन को, किसी को, दूर तक सबको आवाज आ रही है, कहीं कोई किसी तरह की बात मन में कोई शंका, कोई संदेह, कोई प्रश्न, सबको क्लियर हो गया कि अदालत का आदेश है, सरकार को 3 माह में ये जवाब देना पड़ेगा और हमारी मांगों पर बहुत मजबूती से सरकार ध्यान देकर बात करेगी। देखते हैं परिणाम क्या होता है, वरना लड़ाई तो हमारे हक में ही, लड़ना तो हम जानते ही हैं, लड़ेंगे अगर नहीं मानेंगे तो। बस इतना ही मेरा कहना है और एक बार फिर कहते हुए अफवाहों पर ध्यान ना दें, दलालों से बचें, अपने संगठन को कमजोर ना होने दें, अपनी ताकत को बढ़ाएं, धैर्य रखें। लड़ाई में एक साथ कुछ भी नहीं मिल जाता, लड़ना पड़ता है, मजबूती से लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर लड़ेंगे पूरी ईमानदारी से तो ये बात पक्की है कि जीत हमारी ही होगी। हमें ईमानदारी से और मेहनत से लड़ना है, गुमराह नहीं होना, संगठन को मजबूत बनाना।